नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको हथी पांव रोग को ठीक करने के लिए एक तांत्रिक उपाय बताएंगे जो कि बहुत ही कारगर है। जी हाँ दोस्तों, आपने कई व्यक्तियों को देखा होगा कि उनके पांव में एक अलग तरह की सूजन रहती है। ये सूजन गद्दी की तरह होती है, पांव मोटा हो जाता है, उसमें थोड़ा बहुत पेन भी रहता है, तकलीफ भी रहती है। दोस्तों इसको कई प्रकार की दवा लेकर भी इसको आसानी से ठीक किया नहीं जाता, ये रोग आसानी से जाता नहीं है। तो दोस्तों हमें एक ग्रामीण वैद्य ने, तांत्रिक ने एक उपाय बताया है जिसका उपयोग करके आप हथी पांव रोग को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये उपाय बिल्कुल आसान है, चलिए इस उपाय को जानते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जब रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र आए तो उसे एक दिन पूर्व यानी शनिवार के दिन सफ़ेद आग को आप थोड़ी सी अक्षत और जल लेकर उसको न्योता देकर आए और फिर उसे कहे कि हे देवता, हम कल आपको लेने आएंगे, आप हमारा सभी कार्य सिद्ध करें। तो इस तरह से दोस्तों आप न्योता देकर आए सफ़ेद आग के वृक्ष को, फिर अगले दिन यानी जिस रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो उस दिन सुबह स्नानादि से पवित्र होकर सूर्योदय से पूर्व इस पौधे के पास जाकर इसको पहले एक प्रदक्षिणा करें, इसके बाद हाथ दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रार्थना करें कि हे देवता, हम आपकी जड़ लेकर जाने वाले हैं, तो हमारी जो मनोकामना है उसको सिद्ध करें, आप समर्थ है। इस प्रकार से प्रार्थना करके दोस्तों आप सफ़ेद आग की जो उत्तर दिशा की और जड़ जाती है, उस उत्तर दिशा की और जो जड़ गई है उसको आप थोड़ा सा खोज कर निकाले और अपने साथ घर लेकर आए। और इसको घर लाने के बाद इसको किसी पवित्र स्थान में रखकर इसे केवल एक बार गूगल की धुनी दे और इस जड़ को फिर लाल रंग के डोरे में लपेट कर या फिर सात गांठे लगाकर अपने पांव पर बांध दे। तो निश्चित ही दोस्तों आपका कितना भी पुराना हथी पांव रोग हो, जिसको फील पांव भी कहा जाता है, तो ये रोग कुछ ही दिनों के अंदर ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसे केवल आपको इस जड़ को लाल धागे में सात गांठे लगाकर आपके पांव पर बांधना है, तो इससे पुराना से पुराना हथी पांव रोग ठीक हो जाता है। तो दोस्तों ये ग्रामीण तांत्रिक ने हमें प्रयोग बताया है, तो इसे हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका लाभ आप ज़रूर उठाएं, इसमें कोई आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सीधा प्रयोग है, आसान प्रयोग है। तो दोस्तों इसका उपयोग करें और आप कई लोगों को इस रोग से निजात दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आते इसे लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए आप इसी तरह का कंटेंट देखने में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।